हारमोनियम एक मधुर स्वर वाला संगीत वाद्य यंत्र है। यह भारत में एक विवादास्पद इतिहास और अपार लोकप्रियता का गवाह भी रहा है। 1900 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश में हारमोनियम को लेकर एक बहस छिड़ गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश में स्वदेशी आंदोलन जोरों शोरों से चला हुआ था। हारमोनियम एक विदेशी संगीत वाद्य यंत्र होने के कारण इस आंदोलन के निशाने पर आ गया। लोगों का मानना था कि हारमोनियम भारतीय संगीत की शुद्धता को नुकसान पहुंचा रहा है और पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे सितार और सारंगी को खतरा पैदा हो रहा है। हारमोनियम को लेकर बढ़ते विवाद के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने भी हारमोनियम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। उन्होंने आकाशवाणी कोलकाता को भी पत्र लिखकर स्टूडियो में हारमोनियम को बंद करने की मांग की थी। इन कारणों से 1 मार्च 1940 को आकाशवाणी ने हारमोनियम पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध लगभग 3 दशकों तक लागू रहा। 1970 के दशक में हारमोनियम पर प्रतिबंध हटा दिया गया। इस प्रतिबंध को हटाने के पीछे कई कारण थे, जैसे हारमोनियम की बढ़ती लोकप्रियता, संगीतकारों की मांग और पश्चिमी संगीत को बढ़ावा मिलना। प्रतिबंध हटने के बाद हारमोनियम ने भारतीय संगीत में अपनी जगह फिर से बना ली थी। आज हारमोनियम भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक माना जाता है। इसका उपयोग शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, लोक संगीत और फिल्म संगीत में भी किया जाता है। हारमोनियम का इतिहास विवादों और लोकप्रियता से भरा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंध के बावजूद हारमोनियम ने भारतीय संगीत में अपनी जगह बनाई और आज भी यह अपनी मधुर ध्वनि से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देता है।